60 साल तक उसकी आत्मा जिंदा रही। इंसान को अपनी अपनी जिंदगी को अपने मन के मुताबिक जीना है तो रहस्य को रहस्य ही रखना पड़ेगा, इस सृष्टि के लिए अच्छा रहेगा। ये उगता हुआ सूरज मेरे सारे सवालों का समाधान करता है। मानवता को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। दोस्तों, हनुमान जी के शक्तियों के ऊपर एक सुपर हीरो मूवी रिलीज हुआ था कुछ ही दिनों पहले, जिसका नाम आपको पता ही होगा, हनुमान। इस मूवी ने राम भक्त को बहुत ही खुश कर दिया है, क्योंकि हमारी हिंदू देवी देवता के ऊपर बहुत ही कम ही मूवी बनती है, और ऐसे में हनुमान जी के शक्तियों के ऊपर मूवी बनाकर इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी इस मूवी का चर्चा होने लगा। जिस तरीके से फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने अपनी मेहनत, लगन और सच्चे मन से इस हनुमान मूवी को बनाया है, वो काबिले तारीफ है। मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर तो बॉलीवुड भी अब शर्मा गया, क्योंकि इस मूवी की बजट बहुत ही कम था। लगभग 50 करोड़ की बजट की इस मूवी ने अब 300 करोड़ का आंकड़ा छूने जा रहा है, जिसे हमें पता लगता है कि अगर कंटेंट अच्छा हो तो मूवी कैसे भी हो उसको जनता रातों रात ब्लॉकबस्टर बना ही देता है। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की हनुमान मूवी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफलता के बाद अब इसकी सीक्वल यानी कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट जो इससे भी बड़ी पैमाने पर बनने जा रहा है, और इस मूवी को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब सामने आ चुकी है। जय हनुमान यानी कि हनुमान की पार्ट टू में बताया जा रहा है कि इस मूवी की अहम किरदार यानी कि हनुमान जी के किरदार को और कोई नहीं बल्कि मेगा पावर स्टार रामचरण हनुमान जी के किरदार को निभाने वाले हैं। और इस मूवी की बजट को लेकर भी डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने खुलासा किया है कि इस मूवी के बजट लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच में होने वाला है, क्योंकि ये मूवी एक मेगा बजट के साथ साथ पैन वर्ल्ड मूवी होने वाला है। इस वजह से इस मूवी को बहुत ही सच्चे मन से और बहुत ही बड़े स्केल पर इस फिल्म को बनाया जाएगा। वैसे आप अभी तक हनुमान मूवी को देखा है कि नहीं कमेंट में जरूर बताएं, और हनुमान 2 यानी कि जय हनुमान को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।